उत्तर प्रदेश की जनता की शिकायतें अब अधिकारियों को सुननी ही पड़ेंगी, कार्रवाई भी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया सिस्टम बनाया है। इसमें प्रदेश का कोई अधिकारी उनकी निगाहों से बच नहीं पाएगा। डीएम से लेकर थानेदार तक सबके लिए उन्होंने नए आदेश जारी किए हैं। जनमन विशेष। दो लाख 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, 22 करोड़ की जनसंख्या, 75 जिले, 18 मंडल, 150 डीएम और एसपी, 346 तहसील, 822 ब्लॉक और 1427 थाने, सब पर होगी योगी की एक जोड़ी आंखें। कलयुग में द्वापर के संजय बनेंगे योगी, लखनऊ में बैठकर सब पर नजर रखेंगे योगी। जनता की मुश्किलों के महाभारत में कौन किस पक्ष में खड़ा है, इसका सजीव प्रसारण लखनऊ के मुख्यमंत्री के कक्ष में होगा। इसके लिए सीएम योगी ने प्रदेश के सभी प्रशासनिक मुख्यालयों, पुलिस इकाइयों में कैमरे लगवाने की योजना बनाई है। ये कैमरे इंटरनेट के जरिए योगी के कमरे तक सारी सूचना सीधे पहुंचा देंगे। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी जब भी जनसुनवाई जैसा आयोजन करेंगे तो उसका लाइव प्रसारण योगी की दो आंखें देखती रहेंगी। सीएम ऑफिस की दीवारों पर लगे टीवी स्क्रीन में सिमट आएगा 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला प्रशासन। सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, पर दूर की कौड़ी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर प्रदेश मुख्यालय और कई बड़े शहरों से महीने में एक दो बार जुड़ते हैं और कई बार तो आयोजनों को संबोधित भी करते हैं, और अब योगी भी उसी राह पर हैं। और क्या क्या करेंगे योगी इसके अलावा सरकार पर जनहित का अंकुश लगाने के लिए, ये हम आपको बताते हैं। योगी ने आदेश दिया है कि प्रदेश में हर जिले का कलेक्टर अपने ऑफिस से ही कामकाज करेगा, डीएम के बंगले में बने ऑफिस से नहीं। ऐसा हो इसके लिए सीएम डीएम ऑफिस लैंडलाइन पर औचक फोन कॉल छापा भी मारेंगे और कोशिश करें कि शाम को 6 बजे अपने दफ्तर में रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी लैंडलाइन पर बात करने वाले हैं, चाहे वो जिले का कोई भी अधिकारी हो, अगर वो किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर है तो उसकी जानकारी भी ऑफिस में रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कलेक्टर साहब 24 घंटे सातों दिन ऑफिस में रहेंगे। सीएम ने आदेश दिया है कि जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचेंगे और शाम 6 बजे तक वहां रहें। इनकी मौजूदगी पर नजर रखने के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस का नियम बनाया जा चुका है, यानी कंप्यूटर से जुड़ी अंगूठे की छाप वाली हाजिरी का सिस्टम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सुबह 9 से 11 बजे तक जनता की शिकायतों का निपटारा करने का आदेश दिया है। इसके बाद जिलाधिकारी तहसीलों और एसएसपी थानों का निरीक्षण करेंगे। केवल प्रशासनिक अधिकारी नहीं बल्कि मंत्रियों पर भी योगी का सैटेलाइट प्रशासन नजर रखेगा। सभी मंत्री एक दिन बीजेपी दफ्तर में जनता दरबार लगाएंगे। मंत्रियों को जनता दरबार लगाने की तारीख भी दे दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जनसुनवाई लगातार चलती रहेगी। मुख्यमंत्री जी के प्रवास के दौरान या मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता के दौरान नियमित रूप से एक राज्य मंत्री जन सुनवाई में सहभागी होंगे। हम लखनऊ का चेक करो, हम इसको चेक करवाएंगे, घबरा मत, जो भी दोषी होगा हम कार्रवाई करेंगे। इसमें कहां कौन से मुरादाबाद का एसपी को ला दो। खुद सीएम लगातार जनता दरबार लगाकर जन सुनवाई करते हैं। ये तस्वीरें योगी के जनता दरबार की है, जहां जनता अपनी शिकायतें लेकर पहुंचती है। लेकिन नई बात यह है कि अब जिस जिले से सबसे ज्यादा शिकायत आएगी उस जिले के डीएम एसपी या फिर जिस विभाग की शिकायत होगी उस विभाग के अफसर से पूछा जाएगा कि अब तक समस्याओं को क्यों नहीं निपटाया गया, और फिर इस मामले में जवाबदेही भी तय होगी। इसलिए जब सभी जिलों में थाना दिवस और तहसील दिवस मनाया जाएगा तो जनता की दिक्कत पर अधिकारियों का रुख क्या है और जन सुनवाई हो रही है या नहीं, इस पर नजर रखेंगे योगी। योगी के नए फैसलों में एक अहम और पुख्ता बात यह है कि अब लखनऊ में होने वाली बैठकों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ भी बुलाए जाएंगे। उम्मीद है कि इससे जिला से लेकर गांव स्तर तक की मेडिकल सुविधाओं में सुधार आएगा। ये है
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।